सीरियल विद्या में देखने को मिल रहा है गर्मा गर्मी का माहौल और गांव वालों ने स्कूल के बाहर कर दिया है जबरदस्त बवाल। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि स्कूल के लिए 10 लाख का फंड आया था और फंड के वो पैसे विद्या ने चुराकर अवतार को दे दिए हैं ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि विवेक ने ये राज गाँव वालों के सामने खोल दिया है। बात यही नहीं थमी, विवेक ने गाँव वालों को प्रूफ भी दिखाया कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल संतोष त्रिपाठी और नंकू का किया धरा है। इन सब के बीच नंकू पुलिस वाले के साथ अपनी सफाई पेश करने आते हैं। वो बात और है कि अभी नंकू की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आइए अब आपको विवेक और नंकू के ही पास लेकर चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं पूरे सीन के बारे में, वो भी डिटेल में। यहाँ पे ये है जो हमारे टीचर हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, उनकी धुनाई होने वाली थी, बहुत पिटने वाले थे वो जनता से। प्रिंसिपल और दो तीन टीचर्स भी, गांव वाले इतने भड़के हैं कि शायद आज वो बचे भी ना, क्योंकि चोरी हुई 10 लाख की चोरी, और गांव वालों को पता चल गया कि हमारे जो पैसे आते थे हमारे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई खाने वाने के लिए, बेसिकली उनको मिल नहीं रहा। वो क्या करते थे कि गवर्नमेंट देती है स्कूल को पैसा, पर जब वो बच्चों को उनमें से खाना खिलाते थे तो उन पर एहसान जताते हैं कि हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं। एक तो जो खाना खिलाना चाहिए वो नहीं खिलाते थे, इन्फीरियर खाना खिलाते थे, और वो खैर चोरी पकड़ी गई। आके पता चला कि जो सरकार पैसा दे रही है और जो भी और सामग्री दे रही है वो एंड यूजर्स तक नहीं पहुंच रही। वैसे इन सारे कारनामों के पीछे आपका शक किस पर जा रहा है विवेक, जरा हमें भी तो बताइए। मेरा जो शक है वो ये है कि सारा नंकू सिंह की देख रेख में हो रहा है। लेकिन नंकू सिंह तो शरीफ इंसान है। देखिए कितना शरीफ, उसकी शराफत की आप गांव से किसी से पूछ लीजिए, भगवान भगवान है लोगों के लिए। अरे पूछना क्या है, हमारा शो देखिए। हाँ देखिए आपको पता चलेगा मगरमच्छ वाली। और जो अरे वो यार इंसान जानवरों को कौन देखेगा, वो सब छोड़िए सर। मुझे ना एक चीज़ बताइए कि ये मगरमच्छ को खिलाने का क्या सीन है। हम ना इंसानों को भी भूखा नहीं देख सकते, जानवरों को भी भूखा नहीं देख सकते, उनको कौन खाना खिलाएगा, उनके कौन वो करेगा, उनकी भूख की उनकी प्यास की भी तो हमें चिंता है। बात तो सही, मतलब इतना कंसर्न इंसान है नंकू सिंह की, वो इंसान तो इंसान जानवरों को भी भूखा नहीं देख सकता, उनको खाना खिलाने के लिए जो बिल्कुल एनजी लोग होते हैं उनको दे देता है कि भैया चलिए हैप्पी दिवाली। जाने से पहले जरा ये तो बता ही दीजिए कि असली चोर को क्या पुलिस ने पकड़ लिया है या फिर अभी भी असली चोर की तलाश जारी है। वो जो चोर है वो यहाँ पकड़ा जाता है और चोर को पकड़ के पुलिस लेके जाती है और पूरा वहाँ पे ये किस्सा साफ होता है कि पैसे कहाँ से आए थे, किसने चुराया था, और उस एंडिंग में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि किस तरह इल्ज़ाम किस पे जाना चाहिए था ना जाके किसी और पे चला गया, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। और वो जानने के लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 7 बजे कलर्स। वेल, अब देखना ये होगा कि विद्या खुद को कैसे बेगुनाह साबित करेगी और क्या हर किसी को विद्या की बातों पर हो जाएगा विश्वास। इन सारे सवालों के जवाब के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट E24।